हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक की सीरीज़ में आपका फिर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बड़ा आसान सा टॉपिक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए, फोकस तो आपने पढ़ा है, जब भी आपने ट्वेल्थ की ऑप्टिक्स पढ़ी थी, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हमने एमडीयू के सिलेबस में भी ऑप्टिक्स थोड़ी सी है, और सेकेंड ईयर में आपका एक पेपर जो है वो पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का है। तो जानते आप हैं कि फर्स्ट फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है, लेकिन जब डिफाइन करना होता है तो वह वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल स्टूडेंट्स को होती है। तो जो आपकी नॉलेज है उसको आप वर्ड्स में कैसे डालेंगे, तो वो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पहले एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो जो थ्योरी नहीं समझा पाती वो हमें डायग्राम क्लियर कर देता है। तो अगर आपको डायग्राम आता हो तो उसको जो है इलैबोरेट करना बहुत इजी हो जाता है। तब ये देखिएगा, बड़ा इजी सा डायग्राम है, फैमिलियर डायग्राम है। एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कह दीजिए कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास R1 है। और आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, इसका सर्कल जो है पूरा कर लीजिए इस आर्क का, और आपके पास कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, और सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस या इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है इस सरफेस का, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस का कंसिडर कर लीजिए कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2 है। और आप जानते हैं फिर से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कर दीजिए, इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, और सेंटर से इस एपरेचर का मिड पॉइंट देख लीजिएगा। एपरेचर का मिड पॉइंट आप देखेंगे, सेंटर से उसको कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास जो रेडियस है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। जो हमारा लेंस है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम पोल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पी से रिप्रेजेंट किया है, मैक्सिमम बुक्स में इसको पी से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, और इसको पी से इसलिए कर दिया क्योंकि पोल इसको हमने नाम दे दिया है। अब एक साइड आपको ऑब्जेक्ट रखनी है और दूसरी साइड आपको क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो हाइट है वो हमने इतनी ले ली है, ओ ए कंसीडर कर ली है, और ए पॉइंट से जो रेडिएशंस निकल रहे, देखिए कोई चीज़ दिखाई तभी देती है जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो आपकी आंखों तक पहुंचे। तो आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और यहाँ से आपके पास हमने ये तीन रेज कंसीडर कर ली हैं। तो फर्स्ट रे देखिएगा, यहाँ पर हमने इसको नोटेशन दे दी है, दिस इज़ योर फर्स्ट रे, आपकी फर्स्ट रे है। फर्स्ट रे क्या किया, सीधी आपके पास निकली है, यहाँ पर आई है, सेंटर में आ गई है यहाँ पर, और सेंटर पर जब आपके पास वो आई है उसके बाद जो है वो कहाँ चली गई है, पैरेलल चली गई, दिखाई दे रही है ना आपको, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो दिस फर्स्ट रे जो आपके पास, ये जो फर्स्ट रे थी ये आपके पास यहाँ पर आई, और ये इसमें से रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या कर गई है, पैरेलल मूव कर गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिएगा, ये जो फर्स्ट रे है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ इंटरसेक्ट, यहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पास आउट कर रही है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, F1 से, इसी को हम फर्स्ट फोकस कह रहे हैं। तो फर्स्ट फोकस क्या हुआ, फर्स्ट फोकस आपके पास वो पॉइंट हुआ जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस में से पार होने के बाद जब रिफ्रैक्शन करे, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रे इंटरसेक्ट कर रही है, पास आउट कर रही है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका हो गया है F1, दैट इज़ द फर्स्ट फोकस, ये आपका फर्स्ट फोकस हो गया। और आप कुछ जानते हैं कि जो आपकी P से F1 का डिस्टेंस है, तो P से जब आप F1 चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमने ये देखिए नेगेटिव शो कर रखा है। तो F1 कैसा लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे क्योंकि पोल से आप लेफ्ट साइड है। उसके बाद देखिएगा, सेकंड रे आपके पास यहाँ है, ये जो आपके पास ए पॉइंट से रेज आ रही हैं, सोर्स से जो रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं, तो एक रे ऐसी भी होगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखिए, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी रे है टू, और ये क्या कर गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ तक चल रही है जब तक ये
इस पे के पास नहीं पहुंच गई, लेंस के अंदर एंटर नहीं कर गई है। जैसे ही लेंस पे से एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करेगी एंड इट गेट बेंड्स, तो ये पैरेलल नहीं जा पाएगी। और अगर पैरेलल जा पाती तो इसका मतलब एक ही मीडियम है आपके पास, तो अब मीडियम में एंटर कर गई तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो होते ही ये बेंड कर जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या कर गई है, बेंड कर गई है। तो अब ये देखिए, बेंड करते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस में से पास आउट कर रही है और ये यहाँ पर आकर इसने क्या बना दी है, इमेज बना दी है। तो ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट को आप सेकंड फोकस कहेंगे। तो सेकंड पॉइंट को देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट में रे ऑलरेडी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास आउट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को आपने क्या नाम दे दिया, सेकंड फोकस कह दिया। तो अब देखिए, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में आपको एक बड़ा मज़ेदार से डिफरेंस और बड़ी एक मज़ेदार से सिमिलैरिटी नज़र आई होगी। फर्स्ट फोकस में रे पहले पास आउट कर रही है एक्सिस में से, प्रिंसिपल एक्सिस में से, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो पहले एक्सिस को इंटरसेक्ट पास आउट कर रही है, फिर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है सेकंड रे में, सेकंड फोकस के लिए, पहले रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पर बाद में गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर रे ऑलरेडी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस में से पास आउट कर रही है। तो सेकंड फोकस में क्या हो रहा है, सेकंड फोकस में रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट कर रही है लेंस में से, और उसके बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस कर रही है। लेकिन फर्स्ट फोकस में क्या हो रहा है, फर्स्ट फोकस में पास आउट प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हुआ जा रहा है, फिर वो क्रॉस कर रही है लेंस को, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे आपकी ऐसी भी होगी जो क्या हो गया, यहाँ पर आपका पोल में से ही निकल रही है, तो ये जो रे है दैट मूव्स अनडेविएटेड, ना ये लेफ्ट में जाएगी ना राइट में जाएगी, ये रे आपकी कैसी मूव कर जाएगी, ये आपकी रे सीधी की सीधी मूव कर जाएगी। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा वर्ड्स में अगर हम लेकर चलें तो कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हैं F1 की, इज डिफाइंड एज द पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू इट, तो पॉइंट में से पहले पास करवाया आपने, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो पहले तो पॉइंट में से पास करवाइए फिर रिफ्रैक्शन करवाइए थ्रू द लेंस, द रे एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस में से जब पास आउट कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अब सेकेंड फोकस को डिफाइन कीजिएगा, अ रे विच ट्रेवल्स पैरेलल टू द एक्सिस। अब ये देखिए, ये रे पहले एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पर भी हमने यही बताया है, एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस में से फिर पास भी हो रही है, इट पासिस थ्रू द पॉइंट F2, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे से F2 पॉइंट पे से पास आउट हो रही है, कम आउट हो रही है, एंड दिस सेकंड पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए कितना बढ़िया आसान सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर F1 और F2 के साइन कन्वेंशंस की बात करें तो F1 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पोल तो नेगेटिव होगा, F2 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल तो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थोड़ा इजी लैंग्वेज और बना लीजिए इसको, अरे पासिस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जो भी रे प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से पार करेगी, विल आफ्टर रिफ्रैक्शन फिर रिफ्रैक्शन करेगी, एमर्ज पैरेलल टू द एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जब वो लेंस में से पास आउट कर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहले वो पास आउट कर रही है F1 में से, फिर लेंस में से, और फिर हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब दोबारा फिर देख लीजिए यहाँ पे, अरे पैरेलल टू द एक्सिस विल आफ्टर रिफ्रैक्शन आइदर पासिस थ्रो और अपीयर टू कम फ्रॉम द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस में क्या हुआ था, रे पैरेलल जा रही थी, फिर लेंस में से पास आउट कर रही है, एंड आफ्टर दैट इट क्रॉसिस द प्रिंसिपल एक्सिस एट F2, तो F2 में बाद में जाएगी, लास्ट में जाएगी। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है आपके पास, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस,
पी। वो जो हमारी थर्ड रे है वो क्या कर रही है, पी में से पास आउट हो रही है, और पी में से वो क्या कर रही है, सीधी की सीधी अनडेविएटेड पास हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये तो देखिए, सारा का सारा आपने पढ़ा कन्वेक्स लेंस के बारे में कि इधर वाला सरफेस भी कन्वेक्स था, इधर वाला भी कन्वेक्स था। अगर यही किस्सा आपको कनकेव में देखने को मिले तो देखिए कनकेव में किस तरह से आप इस डायग्राम को समझा सकते हैं। अब ये देखिए, फिर वही हमने तीन रेज यहाँ पर दिखा दी हैं आपकी। ये मान लीजिए ये फर्स्ट रे है, इसको मान लीजिए सेकेंड रे है, ये मान लीजिए थर्ड रे है। तो अब ये फर्स्ट रे देखिएगा, फर्स्ट रे नज़र आ रही है ना आपको, किस में से जा रही है, पोल में से। तो आपको पता है ये तो सीधी निकल जाएगी। अब आ जाइए आप सेकेंड रे पे, आपको नज़र आ रहा है ना सेकेंड रे क्या कर रही है, पहले सेकेंड रे जा रही है पैरेलल, और तुम्हें पता है पहले जो रे पैरेलल जाती है तो कौन से फोकस में से निकलती है, एफ टू में से। तो ये गई यहाँ पे लेंस में, जैसे ही एंटर करेगी डेविएट होगी यहाँ पे। तो आपको कहाँ से रेडिएशन नज़र आ रही है, कहाँ से रे आती हुई नज़र आ रही है, एफ़ टू पे से। तो अब ये देखिए कर गई ना एफ़ टू की कंडीशन फुलफिल, कि पहले जाइए पैरेलल, फिर जाइए किस में से, लेंस में से, लेंस करवा देगा रिफ्रैक्शन, और अब आपको प्रिंसिपल एक्सेस में से ये जहाँ से भी पास आउट होती नज़र आ रही है वो हो जाएगा आपका एफ़ टू। अब आ जाइए थर्ड पे, थर्ड देखिए आपकी यहाँ गई, ठीक है बिल्कुल। अभी देखिए पैरेलल नहीं है थर्ड रे प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो कर रही है, पैरेलल हो गई, पैरेलल किसके हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आपको तो रे कहाँ से नज़र, आपको तो सीधी नज़र आ रही है ना, सीधी नज़र आ रही है, तो आपको तो ये लगेगा ना कि रे कहाँ से आ रही है, एफ़ वन में से। तो अब ये देखिए कर गए ना फर्स्ट फोकस की आपकी डेफिनेशन कम्प्लीट, कैसे पहले रे आएगी, रे आने के बाद जब क्रॉस करेगी, किस में से क्रॉस करेगी, लेंस में से, तो वो पैरेलल हो जानी चाहिए। तो लेंस में से क्रॉस करने के बाद पैरेलल होनी चाहिए। तो ये थर्ड जो आपके पास है वो थर्ड रे यहाँ पर एफ वन से एमर्ज होती हुई, पास आउट होती हुई नज़र आती है। तो ये जो वर्चुअल फोकस हैं आपके एफ वन और एफ टू, तो एफ वन में बाद में पार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, और एफ़ टू में पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ कंडीशन देखिए, पी से लेफ्ट में है एफ़ टू तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और पी से राइट में क्या है, एफ वन, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर आपके पास एक लेंस है, थिन लेंस है एन वन, आपके पास एक मीडियम है, मीडियम में से एयर में से आ रही है, एन टू में से पास कर गई रे, और एन थ्री मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, या फिर कंसीडर कर लीजिए कोई गैस है। तो एन वन, एन टू, एन थ्री, अगर आपके पास ये तीनों मीडियम में से अगर आप एन इज इक्वल, एन थ्री इज इक्वल टू एन वन, यानी कि यहाँ पर भी एयर और यहाँ पर भी एयर ले रहे हैं, तो हम लास्ट लेक्चर में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वन अपॉन एफ है, अगर ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि दोनों आपके पास आर वन और आर टू इक्वल हैं, तो एफ वन और एफ टू भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वन बाय एफ टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ वन, क्यों लिया, क्योंकि एक फोकस आर वन का अगर आपके पास कहाँ है, राइट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आपका आर टू लेंगे तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक फोकस आपका नेगेटिव आएगा, चाहे वो आपका एफ वन हो चाहे आपका एफ टू हो। और ये फॉर्मूला रहा आपका एन माइनस वन, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सर्फेस इज आर वन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सर्फेस इज आर टू। देखिए बड़ा सिंपल सा है, लॉजिकल कंसेप्ट है और मुश्किल भी नहीं है, तो बहुत ईजी है ऑप्टिक्स, ज़्यादा मुश्किल ऑप्टिक्स हमारी नहीं है।